हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूंग द आयनिक इक्बरियम तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन इक्लब्रियम की और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन व्हेन एसपेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड तो हैडिंग लिखो कॉम्प्लेक्सेशन इक्लिब्रियम कॉम्प्लेक्सेशन इक्लिब्रियम uh, क्या पॉइंट वाइज जैसे बात समझें जरूरत कहां पड़ती है क्यों पड़ रहे हैं हम ये मैनी स्पेरिंग सोलबल सॉल्ट लाइक ए जी सी एल ए जी बी आर ए जी आई etc become soluble enough soluble in presence of in presence of complexing ligands like ammonia cyanide ion एस टू ओ थ्री टू माइनस एक्सेट्रा तो कई सारे सोल्ट जो पानी में सोलिबल नहीं होते स्पेरिंगली सोलिबल सॉल्ट हैिटी है उनकी दे बिकम प्रैटिस बिकम गुड सॉलिबल इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंट्स लाइक अमोनिया साइनाइड आयन एस टू ओ थ्री टू माइनस जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जैसे मान लो एजीसीएल है वॉटर में बहुत कम सोलिबल है और आ, मोस्टली रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी तो ये ए जी प्लस एंड सी एल माइनस इसका के एसपी काफी स्मॉल होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू दाइनस टेन बट यही अगर हम इस सॉल्यूशन में अमोनिया मिला दें तो अमोनिया की प्रेजेंस में ए जी प्लस विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया टू फॉर्म एजी एन एस्थराइट एजी एन एस थ्री ट्वाइस प्लस इसको भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में लिख लो बट दिस रिएक्शन हैज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स तो क्या बात कर रहे हैं हम एजीसीएल पानी में बहुत कम सॉल्युबल है बट अमोनिया में अगर एजीसीएल को डिजोल्व किया जाए तो इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कंसिडरेबली लार्ज अच्छा इन दोनों इक्वेशन को अगर मान लो मैं एड कर दू ऑन एडिंग क्या होगा एजी प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल सी दैट ए जी सी एल सॉलिड अमोनिया के साथ डिजॉल्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बना करके और ये बनाएगा ए जी एन एस थ्री ट्वाइस प्लस एक्वस प्लस सी एल माइनस एक्वस एंड वट इज द इक्लेम कॉन्सेंट फॉर दिस रिएक्शन के एस पी इन टू के एफ फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन द इक्म कॉन्स्टेंट बिकम्स के एफ इंटू के एसपी के एसपी अगर मान लो टेन के पार माइनस टेन का ऑर्डर है के एफ की वैल्यू भी टेन के पार नाइन या टेन के पार टेन का ऑर्डर है तो दिस इक्विबरियम कॉन्स्टेंट बिकम्स इनअ लार्ज मच मच लार्जर दैन ओनली के एसपी एंड दिस इक्वेरियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अच्छा यहां लीचा टील प्रिंसिपल भी लगा सकते हो आप जैसे एजीसीएल पानी में डिसोशिएट होता तो एजी प्लस बनाता सीएल माइनस बनाता बट ए जी प्लस काफी लार्ज अमाउंट में रिएक्ट हो गया अमोनिया के साथ जितना बना ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्टेड टू फॉर्म एन एस थ्री इक्विलिब्रियम सिस्टम से प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को अगर रिमूव कर दो ये घट गई कंसेंट्रेशन बिकॉज इट इज रिएक्टेड इन द सेकंड वन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द एजीसीएल विल इंक्रीज तो कहने का मतलब यह हुआ कि सॉलिबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट इंक्रीजेस ग्रेटली लार्जली इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। तो इस बात को लिख भी सकते हैं हम सॉलिबिलिटी ऑफ ऑफ अस्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट इंक्रीज

यहां पे फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करें जैसे मान लो यही लो सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मान लो अमोनिया के साथ करें तो ये हो गया मान लो एजीएनएस थ्री प्लस ये कोऑर्डिनेशन नंबर वन में कॉम्प्लेक्स बनाया इसे बोलते हैं कई बार हम के एफ वन बट यह एजी एन एस थ्री फर्दर रिएक्ट करता है विद अमोनिया

स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑफ ए थ्री ट्वाइस प्लस इसका ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो फिर ये के एफ वन और के एफ टू कौन थे दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्मेशन कांस्टेंट. तो फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट दिस इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स अच्छा के का एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा मान लो ये फाइनल इक्वेशन आ गई आपके पास इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है के आफ, तो जैसे और इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट होते हैं ऐसे ये फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी एक इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट है सो वॉट कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ए जी एन एस थ्री टॉइस एंड दिस प्लस अपॉन एजी प्लस कंसेंट्रेशन एंड अमोनिया स्क्वायर सो लाइक दैट यू विल राइट द एक्सप्रेशन तो यह था फॉर्मेशन कॉन्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स जनली विच इज ए लार्ज वैल्यू अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में डेटा उल्टा दिया हुआ होता है जैसे बोलते हैं डिसोसिएशन या इन स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट कई बार ऐसा दे दिया जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन में डेटा ऐसे देंगे एन एस थ्री टू प्लस का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दे देंगे तोड़ रहे हैं इस बार कॉम्प्लेक्स को एजी प्लस एक्व एंड टू एन एस थ्री एक्वस तो इसका इक्वेरियम कॉन्स्टेंट क्या लाएगा के डिसोसिएशन दैट मीन वी आर डिसोसिएटिंग द कॉम्प्लेक्स और के इन स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड दैट वुड बी वॉट कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एज यूजल जैसे आप लिखते हो इक्म कॉन्स्टेंट स्क्वायर अपॉन एन एस थ्री ट्वाइस एंड प्लसिलिटी कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ऑब्वियसली आर रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का ये रेसिप्रोकल है कॉन इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट तो समटाइम्स इट इज गिवन लाइक दिस इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो कहने का मतलब यह हुआ मैनी सोल्स विच आर इल इन वॉटर वेरी लिटल इन वॉटर बिकम हाइली लोलिबल इनफ सोलबल इन कंसिडरेबली लार्ज फॉर मोस्ट कॉम्प्लेक्स चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब ये तो टॉपिक की नेचर थियोर तो है नहीं की है तो लेट अस तो सॉल्व ले क्वेश्चंस अच्छा उससे पहले मैं एग्जांपल एक एक और दे दूं जैसे कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि एजी बी आर ए जी आई ए जी सी एल एज सॉलिबल या आर सोलिबल अमोनियमर तो हमने देख लिया था आर सॉलिबल एन एक्वासकेशन और हाइपो सोल्यूशन हाइपो मतलब वॉट एन ए टू एस टू ओ थ्री सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन तो रिएक्शन क्या होंगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रिएक्शन होंगी वो इस टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी ए जी बी आर जो पीपीटी था इट बिकम सोलिबल विद द साइनाइड आयन तो साइनाइड आयन के साथ टू के सी एन एक्वे सोल्यूशन के साथ दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉर्डिनेशन नंबर टू दैट इज एजी सी एन ट माइनस

न्यूमेरिकल डेटा मान लो क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा हो कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ जीरो पॉइंट वन एम के सी एन टू ले लो जीरो पॉइंट टू एम के सी एन एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम agno 3 yes are mixed find concentration of ag plus concentration in final solution एजीसी इसका इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं अब ये तो डेटा है लास्ट में जो कांस्टेंट दिया हुआ है इक्लिबियम कांस्टेंट, इसको तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं जैसी हमें जरूरत पड़ती है एंड दिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज हाउ मच फोर इंटू टेंट द पार माइनस नाइनटीन ये मान लो क्वेश्चन है चलो सॉल्व कर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस एंड दिस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड मैं पहले भी कितनी बार आयनिक इक्विलिब्रियम में ही बता चुका हूं कि व्हेन वी आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस इन इक्वल वॉल्यूम्स वॉल्यूम बिकम्स डबल्ड एंड द कंसेंट्रेशन बिकम्स हाफ तो इसका मतलब यह हुआ कि साइनाइड आयन जो कंसंट्रेशन है अभी वो पॉइंट टू एम नहीं होगी वो कितनी होगी पॉइंट वन एम

उल्टा करके क्यों लिखा है अरे भाई मैंने एजी प्लस और सी एन माइनस मिलाया हैसलीक एट दैल्यू ऑफ इक्विम कॉन्सटेंट इट इज सो लार्ज वेरी लार्ज इट इज सच अर्ज वैल्यू ऑफ इक्लेम कॉन्स्टेंट यू कॉन्ट स्टॉप द रियक्शन दिस इज दिसंट जीरो थ्री एम वट इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ साइनाइड पॉइंट वन एम

लगभग पूरा तो उसका डबल खर्च हो गया साइनाइड आयन तो हाउ मच इज लेफ्ट जीरो सिक्स खर्च हो गया कितना बच गया पॉइंट जीरो नाउ यू नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हाट फॉर्मेशन कांस्टेंट इज वन अपॉन फोर इन टू टेन के पार ऊपर चला गया ये उन्नीस शुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज थ्री इंटू टेन पार माइनस टू अपॉन ए जी प्लस कंसेंट्रेशन क्वेश्चन आस्क्ड वी कैन फाइंड आउट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी एन माइनस का स्क्वायर फोर इंटू टें पावर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे सॉल्व इसको जरा सो फ्रॉम हियर वी गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ़ प्लस इक्वल टू थोड़ा सॉल्व करो तो ये टेन की पावर माइनस फोर चार गुण चार सोलह एक चार से एक चार कैंसिल आउट हो गया इसको ऐसे भी लिख दो इंटू फोर इंटू टेन ऑफ द माइनस टू ये फोर कैंसिल आउट टेन की पावर माइनस टू से टेन की पार माइनस टू कैंसिल अपॉन फोर और ये भी टेन की पावर टू पर चला गया सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव इन टू टेन टू द पार माइनस एटीन एम यही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन तो देखो यहीं पे हम बात की थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण अभी और भी क्वेश्चन लेंगे लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन ऑन टेकेशन इक्म मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है, हमने कहा भी था कि सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल इज वेरी लिटल सॉलिबल इन वॉटर बट बिकम इनऑफ सॉलिबल इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंट लाइक केसीएन हाइपो और अमोनिया उसी पर एक सवाल लेते हैं यह बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन भी है आईआईटी आई एडवांस में पूछा हुआ यह सवाल है पुराना क्वेश्चन है तो बहुत पुराना क्वेश्चन है मतलब आई आई टी ही है उस मींस तो होता नहीं था तो क्वेश्चन क्या है फाइंड सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल इन एक्वस अमोनिया जीरो एम solution ksp ka data diya hai question me man lo agcl ka that is given as 10 to the power minus 10 and formation constant of complex uh, ag ns3 twice plus it is given as 10 to the power 9 for example this is the question let us solve this अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको इंपॉर्टेंट मानने आईआईटी एडवांस्ड के लिए तो सॉलिबिलिटी ऑफ एजीसीएल अब ध्यान दो एजीसीएल एक स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट है बहुत थोड़ा सा टूटता है पानी में क्लोराइड आयन मान लो इसकी सॉलिबिलिटी एस थी क्या बना एस क्या बना एस मोल पर लीटर But नहीं एजी प्लस मेजर अमाउंट ऑफ एजी प्लस रिएक्टेड विद अमोनिया टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स अच्छा मेजर अमाउंट क्यों बोल रहे हैं बिकॉज फॉर्मेशन कॉन्सटेंट ऑफ दिम इसका तो के एस पी है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ है जिसकी वैल्यू काफी लार्ज है इसका मतलब ये एस जो बना था एजी प्लस इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिएक्टेड विद अमोनिया जो कि पॉइंट टू था ये जीरो था तो ये एजी प्लस बहुत कम बचा होगा तो इसमें से जब एस खर्च हुआ है ये तो ये तो एस बन गया होगा एस मोल पर लीटर थोड़ा ध्यान से समझो क्या बात कह रहे हैं हम चूंकि फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट काफी लार्ज है ए जी प्लस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड विद अमोनिया अमोनिया इज प्रेजेंट इन द्वार टू एम तो एस लगभग पूरा खर्च हो गया लगभग पूरा खर्च हो गया तो ये कितना बन गया मोल पर लीटर और इसकी स्टैक्योमेट्री अमोनिया की स्टाइकोम डबल है एजी प्लस की तो जो ए जी प्लस था एस उसका डबल खर्च हो गया तो टू एस खर्च हो गया तो जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो के एस पी तो किसके बराबर हो गया वी कैन से दैट कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू सी एल माइनस सी एल माइनस तो एस ही है और यहां पर के एफ की वैल्यू कितनी हो गई सो के एफ इज वॉट

रखो जरा वैल्यू तो क्या हो गया टेन के पार नाइन इज इक्वल टू एस अपॉन वे प्लस दी अपॉन एस इन टू पॉइंट टू माइनस टू एस का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये के एस पी इधर चला गया तो टेन के पार नाइन इंटू टेन के पावर माइनस टेन शुड बी इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन पॉइंट टू माइनस टू एस का होल स्क्वायर अगर और सॉल्व करो इसको तो यहां से 0.1 हो गया तो S upon 0.2 minus 2S is equal to 0.1 यही तो हुआ कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे नहीं 0.1 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर ये 0.1 है ना इसका स्क्वायर रूट और 0.1 का स्क्वायर रूट अगर 0.32 के आसपास ले लें क्या 0.32 थ्री टू के आसपास ले सकते हैं चल जाएगा तो लगभग लग पॉइंट थ्री टू पॉइंट वन का स्क्वायर रूट तो यहां से अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई एस इज इक्वल टू पॉइंट टू इंटू पॉइंट थ्री टू माइनस पॉइंट सिक्स फोर एस तो वन पॉइंट सिक्स फोर एस इज इक्वल टू कितना हो गया चौसठ पॉइंट जीरो सिक्स फोर सो वॉट इज सॉलिबिलिटी एस वुड बी इक्वल टू वॉट दिस वुड बी कितना थोड़ा चेक कर लेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट सिक्स फोर सोलह चौंसठ फोर लगभग फोर के आस पास ही आ, इसको पावर माइनस टू फोर थ्री पॉइंट नाइन के आसपास मान लो इन टेंट द पावर माइनस टू सी द सॉलिबिलिटी, दिस इज सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल इन अमोनिया अच्छा यही एजीसीएल की सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर लेते तो क्या होता

यरफुल्ली ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ये था सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे इस वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं एंड सम अदर थिंग्स अबाउट द सोलिबिलिटी टेक अपन द नेक्स्ट वीडियो दैट सिट फॉर नाव